दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी पत्थर चट्टा के औषधीय गुणों के बारे में और उसके पौधे के फायदों के बारे में कि ये कौन कौन सी बीमारी को दूर करता है और ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और इसे उगाया कैसे जाता है। तो आइए जान लेते हैं। पत्थर चट्टा ये एक प्रकार का पौधा है। ये गॉल ब्लैडर यानी कि किडनी में पथरी की समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करता है। इस पौधे को आयुर्वेद में भस्म पथरी, पाषाण भेद और पर्ण पुट्टी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आयुर्वेद में पत्थर चट्टा को प्रोस्टेट ग्रंथि और किडनी स्टोन से जुड़ी हुई समस्या के इलाज के लिए भी औषधि माना जाता है। दोस्तों मेडिकल साइंस में इसे ब्रायोफिलम पिनटम भी कहा जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके गुणों के बारे में। पत्थर चट्टा का पौधा खाने में खट्टा और नमकीन होता है, साथ ही साथ ये स्वादिष्ट भी होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे इसको उगाने के तरीके। आप इसके पत्तों को किसी भी तरह की जमीन के अंदर डालकर उगा सकते हैं, उस जगह पर ये उग जाता है। पत्थर चट्टा की तासीर बहुत ही ज्यादा सामान्य होती है, इसलिए हर मौसम में आप इसका सेवन भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोस्तों इसके प्रयोग, पत्थर चट्टा के दो पत्तों को आप तोड़कर उसे अच्छे तरीके से साफ कर ले और फिर सुबह सुबह खाली पेट आप इसका गर्म पानी के साथ सेवन करें। नियमित इस्तेमाल करने से ये थोड़े ही दिनों में पथरी को दूर कर देता है, यानी कि पथरी को गला देता है शरीर से। दोस्तों आप पत्थर चट्टा के पत्तों को चबाकर या फिर इसके पकौड़े बनाकर भी खा सकते हैं, इससे भी काफी ज्यादा फायदे मिलते हैं। इसके अन्य फायदे, पत्थर चट्टा के रस में आप अगर सौंठ का चूर्ण मिलाकर सेवन करते हैं तो इससे पेट में होने वाले दर्द में भी काफी ज्यादा राहत मिलती है। इसके अलावा ये पित्ताशय की पथरी में भी पत्थर चट्टा काफी ज्यादा कारगर साबित होता है, यानी कि पित्ताशय की पथरी को भी ये दूर करता है। जैसे कि अजवाइन के 10 पत्तों को लेकर और फिर पत्थर चट्टा के 10 पत्तों को इन दोनों को पीस कर पेस्ट बना ले और फिर इसमें एक चम्मच गोखरू जो कि आसानी से बाजार में मिल जाता है इसको मिला ले। इस पेस्ट को आपको सुबह सुबह खाली पेट लगातार 3 दिनों तक इसका सेवन करना है। दोस्तों याद रहे इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि दस्त और उल्टियां होंगी, लेकिन ये पथरी की बीमारी को एकदम ही गला देता है, यानी कि खत्म कर देता है। दोस्तों दिन में 3 बार पत्थर चट्टा के पत्तों का सेवन करने से ये बीमारी चली जाती है। इसके अलावा एक ग्लास पानी में पत्थर चट्टा के 10 पत्तों को उबालकर काढ़ा बना लीजिए और फिर अगर इस काढ़े का रोजाना आप सेवन करते हैं खाली पेट, अगर इस विधि को आप 15 दिन तक करते हैं तो आप देखेंगे कि मूत्र मार्ग से पत्थर जो है वो बाहर आ जाएगी, यानी कि पथरी की समस्या खत्म हो जाएगी और जल्द ही आपको राहत मिलेगी। दोस्तों मूत्र संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसमें पत्थर चट्टा बेहद ही ज्यादा लाभदायक साबित होता है और पेशाब में जलन की समस्या को भी पत्थर चट्टा के सेवन से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जैसे कि दोस्तों इस औषधि का सेवन करते समय चूना बिना साफ किए हुए फल और अधिक चावल आदि का सेवन न करें। आपको ये सावधानी रखनी है कि चावल आदि का सेवन इसमें बिल्कुल भी ना करें। पथरी की मुख्य वजह कैल्शियम होती है, इसलिए शरीर में अधिक कैल्शियम का होना पथरी का कारण बन सकता है। ये औषधि बेहद ही काम की है। दोस्तों ये पत्थर चट्टा जो औषधि ये बहुत ही ज्यादा कारगर होती है, काम की होती है। पथरी से परेशान लोगों को इसका नियमित सेवन करना चाहिए। यदि आप नियमित और लगातार इस पत्ते का सेवन करते हैं तो पथरी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी, वो भी जड़ से खत्म कर देता है, यानी कि ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों जाना आपने, पत्थर चट्टा एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा पौधा है जो कि पथरी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों इसका सेवन ज्यादा मात्रा में बिल्कुल भी ना करें, बताई गई मात्रा में ही करें। भले ही इसकी तासीर बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो, लेकिन फिर भी आप इसका सेवन कम मात्रा में ही कीजिए और बताई गई मात्रा में ही करें। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।